नेपाल में रविवार को बड़ा विमान हादसा हो गया है। नेपाल के पोखरा में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 68 यात्री सवार थे। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस, नेपाल पुलिस के साथ ही स्थानीय नागरिक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 32 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हादसे को लेकर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है। प्रधानमंत्री प्रचंड की इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में नेपाल की प्रचंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक यति एयरलाइंस के ATR-72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस 72 सीटर विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर यानी कि कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था कि क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक यति एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बरतौला ने कहा कि विमान में 68 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। यति एयरलाइंस के प्रवक्ता ने भी यह कहा है कि अभी तक 16 शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा दिन में 11:10 पर हुआ। यह विमान पोखरा घाटी में सेती नदी की खाई में गिर गया। हादसे की खबर पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ ही सभी एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। मौके पर नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तेज भेजा गया है। हादसे के काफी देर बाद तक मौके से धुएं का अखबार उठता नजर आया। रेस्क्यू टीम ने अब तक 32 शव बरामद कर लिए हैं।